हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम बात करने वाले हैं माइनक्राफ्ट की कुछ सेटिंग्स के बारे में, जो कि ज़्यादा बंदे उनको पता नहीं है। आप देख सकते हो मैं नॉर्मल सेटिंग में आ चुका हूँ। गाइस आपको बीच में प्लस का वो आता है ना साइन, वो लाने के लिए आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप देख सकते हो मैं सेटिंग पे जा रहा हूँ। उस पर आप उसको आप फिर टच पे जाना है आपको। फिर इस आपको SPLIT स्प्लिट कंट्रोल को ऑन कर देना है। तो आप देख सकते हो मेरा बीच में साइन आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके हाथ दिख रहे हैं ऊपर, उनको नीचे लाने के लिए आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको वीडियो के ऑप्शन पे जाना है। वीडियो पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे और UI प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है उसके नीचे साइड। तो क्लासिक पे आपको सेट कर देना है। तो आप देख सकते हो ये मेरे ये हार्ड नीचे जो भी है वो सब आ चुके हैं। अब आपको 3 स्टेप करने के लिए आपको वीडियो पे जाना है। सेटिंग पे से वीडियो पे जाना है। जैसे मैं जा रहा हूँ वीडियो पे, अब इस पे जाके आपको स्क्रॉल करना है नीचे और आउटलाइन सिलेक्शन को ऑन कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ की जगह, जैसे कि मैं जहाँ भी पहले एम ले जा रहा था वहाँ वाइट आ रहा था, अब यहाँ ब्लैक आ रहा है। गाइस इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसका लिंक कमेंट में पिन मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये माइनक्राफ्ट के वीडियोस डालते हैं, गाइस इनको सब्सक्राइब कर देना। ब्लैक आ रहा है। तो आपको अब 4th स्टेप के लिए आपको फिर से सेटिंग पे चले जाना है। फिर उस पर आपको वीडियो पे चले जाना है। फिर इस पे जाके हाइड पेपर डोल को ऑफ कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ की जैसे साइड में कुछ आ चुका है, एक मेरे ही करेक्टर छोटा सा। आप देख सकते हो जैसे ही मैं भागता हूँ वो बाजू में दिखता है आपको, जैसे ही मैं बैठता हूँ आपको दिख जाएगा गाइस। तो लास्ट सेटिंग करने के लिए आपको फिर से आपको जाना है सेटिंग्स पे, फिर उस पर गेम पे जाना है, फिर उस पर जाना है शो, इस पे दिखा होगा आपका शो कंडीनेटर जो भी लिखा है गाइस, उसको ऑन कर देना है। आप जैसे ही ऑन कर दोगे तो आप देख सकते हो आपकी पोजीशन दिखेगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।